नमस्कार दोस्तों, हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज एक और वेट लॉस रेमेडी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। उस रेमेडी को हम बना रहे हैं गर्मियों के लिए। जी हाँ, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, इसलिए अब हमें वेट लॉस प्रोग्राम उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि हम उसे गर्मियों में प्रयोग कर सकें। क्योंकि दोस्तों, गर्मियों और सर्दियों के मौसम में हमें अलग अलग प्रकार के रेमेडीज प्रयोग करनी चाहिए, ताकि ये रेमेडी हमें मौसम के अनुकूल फल दे सकें, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे। तो दोस्तों, आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी वेट लॉस रेमेडी जो हमें गर्मियों में बहुत ही लाभदायक होगी। जी हाँ, यह स्पेशली गर्मियों के लिए है। यह गर्मियों में अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह आपका बहुत ही जल्दी वेट लॉस करेगी। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि गर्मियों का मौसम ऐसा मौसम है जिसमें आप बहुत ही जल्दी अपना वेट लॉस कर पाते हैं, क्योंकि इस मौसम में हम काफी मात्रा में पानी पी सकते हैं और यह हमें आसानी से पच भी जाता। कुछ लोगों को रियल में यह प्रॉब्लम होती, कुछ लोग सिर्फ ठंड से बचने के लिए पानी नहीं पीते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बढ़िया मौसम मिलेगा कि आप अपना वेट लॉस जल्दी ही कर पाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस वेट लॉस रेमेडी में हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इसमें हमें चार चीजों की आवश्यकता होगी। ये है सौंफ। ये दोस्तों सौंफ लगभग 3 बड़े चम्मच है। इसके अलावा हमें दोस्तों लगभग 30 ग्राम हरड़ की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, यह हरितिका है, हरड़ है, जिसे कई जगह हरितिका के नाम से जानते हैं, कई जगह हरड़ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी चीज है इसमें अजवाइन। जी हाँ दोस्तों, अजवाइन हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, इसलिए अजवाइन का आप बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन हमारे पेट के लिए भी अच्छी होती है और भी कई प्रकार हमें लाभ देती है। चौथी चीज है दोस्तों हमारे पास दालचीनी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, आप इस मसाले से अच्छे से वाकिफ होंगे। अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, यह लगभग इस फॉर्म में होती है, यह लकड़ी जैसा छाल है, इसको ही दालचीनी बोला जाता है। यह हमने पाउडर फॉर्म में ले ली है, आपको इसका पाउडर भी मिल जाएगा। अगर आपको पाउडर नहीं मिलता है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसको दालचीनी को साबुत ही लाकर घर में पीसें, ताकि किसी भी प्रकार की इसमें मिलावट की गुंजाइश न हो। तो दोस्तों, ये वो सारी चीजें हैं, ये वो चार चीजें जिनकी सहायता से हम आज अपना वेट लॉस प्रोग्राम के लिए रेमेडी तैयार करेंगे। तो दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है। यह रेमेडी स्पेशली आपको इसलिए बताई जा रही है कि आप कहीं पर भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं इस वेट लॉस चूर्ण को। तो उसके लिए दोस्तों, हमें अपनी हरड़ को, अपनी अजवाइन को और अपनी सौंफ को थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो आइए इसको रोस्ट कर लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी हरितिका यानी कि हरड़ को रोस्ट करने के लिए फ्लेम पर रख दिया है। आइए अब आपको बता देते हैं कि इसको किस प्रकार से रोस्ट करना है। यह आपको बिल्कुल हल्का भून लेना है। जी हाँ, इसको आप हल्का भून लें, इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। यह इस प्रकार से आपको रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर से अगर कुछ नमी हो तो वह हमारी हट जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरड़ से सिर्फ आपका वजन ही कम नहीं होगा, यह आपको और भी कई प्रकार के लाभ देती है। यह हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा रखती है। जी हाँ दोस्तों, यह हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। यह आपके सौंदर्य को बढ़ाती है और कब्ज और मसूड़ों के लिए यह रामबाण दवा है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, हम हरड़ को अपनी हल्की हल्की रोस्ट कर लेंगे, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरह से घुमाते हुए इसे रोस्ट करें। ये देखिए दोस्तों, हमारी हरड़ अब रोस्ट हो चुकी है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको हरड़ को जलाना बिल्कुल भी नहीं है, इसको घुमा घुमा कर हल्के हल्के रोस्ट करना है। अब दोस्तों, हम अपनी अजवाइन को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अजवाइन को और भी कम फ्लेम की आवश्यकता होगी। जी हाँ, आप अजवाइन को और भी कम रोस्ट करें। इसके लिए हम पहले इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब हम अपनी अजवाइन को रोस्ट कर लेते हैं। इसको बिल्कुल हल्का भूनना है। जी हाँ, इसको बिल्कुल हल्का रोस्ट करना है आपको। इसको घुमा घुमा कर आप हल्का रोस्ट करें, अपनी फ्लेम को बिल्कुल हल्की रखें। इसको बिल्कुल कम आंच पे हमने रोस्ट करना है, क्योंकि यह बहुत छोटा बीज होता है, यह बहुत जल्दी जल जाएगा, इसलिए आपको घुमाते हुए इसको हल्की रोस्ट करनी है।
यह देखिए यह रोस्ट होनी शुरू हो गई है। अब हम इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि यह जले नहीं, क्योंकि जलने से दोस्तों इसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो हम इसको जलाएंगे नहीं, हल्का रोस्ट करेंगे बस। और यह हमारी अब रोस्ट हो चुकी है, अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दोस्तों अजवाइन हमारे वजन कम करने के साथ साथ इसमें दोस्तों पाचन शक्ति को बढ़ाने के गुण होते हैं, साथ ही साथ दोस्तों यह गैस, उल्टी और पेट साफ करने में बहुत मददगार होती है। गठिया, खांसी, मुहासे, खट्टी डकार और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स में भी यह बहुत कारगर होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यह औरतों के लिए मासिक धर्म में भी बहुत लाभदायक होती है। अब हम इसको हटा लेते हैं, निकालेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे अपनी सौंफ को। देखिए दोस्तों अब हम अपनी सौंफ को इस पैन के अंदर डाल लेंगे। हमारी तीसरी चीज है ये हमने सौंफ को अपने पैन के अंदर डाल लिया है। हम इसे भी हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमने दो चीजों को रोस्ट कर लिया है, अब हमारी यह तीसरी चीज है सौंफ। जी हाँ, फेनल सीड, इसे भी हमने हल्का ही रोस्ट करना है, इसको भी ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। यह हमारी रोस्ट होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों सौंफ मुंह की बदबू को साफ करती है। जी हाँ, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, इसमें खुशबू तो होती ही होती है। ये देखिए हमारी अभी सौंफ रोस्ट होनी शुरू हो चुकी है। हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं ताकि यह जले नहीं। हमारे गर्म पैन के ऊपर ही यह रोस्ट हो जाएगी। अगर आपका पैन ज्यादा गर्म हो गया है तो इसे हिलाते रहें, जल्दी जल्दी हिलाते रहें। अगर यह मीडियम फ्लेम है तो भी आपको इसे हिलाना बंद नहीं करना है। दोस्तों यह आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है और कई प्रकार के कैंसर से भी हमें मुक्ति दिलाती है। जी हाँ, यह कई कैंसर सेल्स को भी मार देती है, उनको बढ़ने से रोकती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यह पीरियड्स में भी बहुत लाभकारी होती है। जी हाँ, जिन औरतों को पीरियड संबंधी समस्याएं होती है उनके लिए भी यह बहुत लाभकारी होती है। ये लीजिए दोस्तों तीसरी इंग्रेडिएंट भी हम रोस्ट कर चुके हैं, अब हम इसको पीस लेंगे। दोस्तों चौथा इंग्रेडिएंट है दालचीनी। दोस्तों दालचीनी हमें ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यह हमें ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में बहुत सहायता देती है। यह हमें दिमाग को एक्टिव करने, हृदय की रक्षा के लिए और कैंसर संबंधी सेल्स को भी खत्म कर देती है। यह हमने आपको दालचीनी के भी साथ में उपयोग बता दिए हैं। आइए अब हम तीनों चीजों को पीस लेते हैं। जी हाँ, अब हम इनको मिक्सी में डालकर या फिर आप मोम दस्ते की सहायता से भी इनको पीस सकते हैं। अब हम इनको तीनों को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। आप चाहे तो चौथी को अलग से मिला सकते हैं या फिर इनको इसके साथ मिलाकर भी पीस सकते हैं, क्योंकि यह ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में है। आप चाहे तो इसे मिला लें, चाहे तो अलग से भी बाद में मिला सकते हैं। तो अब हम इनको पीस लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, अब हम अपने लेड को लगा देते हैं, इसका ढक्कन लगा देते हैं मिक्सी का, और अब हम मिक्सी को घुमा देते हैं। यह देखिए दोस्तों, अब हमारी चूर्ण बनकर तैयार है। यह लगभग ऐसा हो जाएगा। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल लेंगे। यह हम कंटेनर हमने लिया हुआ है, इसमें हम डाल देंगे इसे। ये देखिए हमने इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल लिया है, अब हम इसे बंद करके रख देंगे। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखना, जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है वह इसमें ब्लैक सॉल्ट भी मिला सकते हैं। जी हाँ, काला नमक, आप इसके अंदर काला नमक अगर मिला लेते हैं तो यह आपको स्वाद में भी ठीक रहेगा। इसे दोस्तों कोई भी ले सकता है। यह आपको गैस संबंधी समस्याओं में भी बहुत लाभ देगी। इसके साथ ही साथ यह आपका वेट भी बहुत जबरदस्त तरीके से लूज करेगी। यह आपका एक महीने में लगभग 8 से 10 किलो वजन कम कर देगी। अगर आप इसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो डेली आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करें। हमारे चैनल पे दूसरी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो बहुत छोटी छोटी हल्की एक्सरसाइज है और उसका बहुत जबरदस्त लाभ होता है। यह आपकी पेट की चर्बी को भी कम करती है, साथ ही साथ यह आपको बताई गई बहुत सारी समस्याओं में बहुत लाभ देती है। मैं आपको इसे लेने का तरीका बता देता हूँ। आपको लगभग इतना, आपको एक छोटी चम्मच आप डेली लेना है अपने हर एक मील के बाद। जी हाँ, अगर दोपहर को लंच करते हैं तो लंच के बाद लें, और अगर डिनर करते हैं तो डिनर के बाद लें, और ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद लें। यह आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ देगी। यह आप चूर्ण आप अपने साथ रख सकते हैं। यह आपके पेट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके वेट के लिए, मोटापे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
यह लगभग आप इतना फांक लें, जी हाँ यह है, आपको पानी में मिलाकर नहीं पीना है, यह आपको फांक लेना है ताकि आपके मुंह का टेस्ट बना रहे। तो दोस्तों आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हेल्थ टाइम से, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल के लिए यदि आप नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर इस बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को आसानी से देख पाएं। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।